ये है वक्त मीडिया। पेशे खिदमत है जश्ने अदब का फिफ्थ इंटरनेशनल पोइट्री फेस्टिवल 2016 का फर्स्ट फेज का वीडियो। जी हां, हिंदुस्तान के सूबे उत्तर प्रदेश के रायबरेली पहुंचा जश्ने अदब और रायबरेली के ऑफिसर्स क्लब ग्राउंड आईटीआई में मुनक्कित किया जश्ने अदब ने जश्ने गोपाल दास नीरज। रायबरेली में हुए जश्ने अदब के इस प्रोग्राम को सुनने के लिए लोग बड़ी तादाद में तशरीफ लाए थे। इस मौके पर बॉलीवुड के मशहूर गीतकार और कवि जनाब गोपाल दास नीरज साहब को 51,000 रुपए का साहित्य उत्सव 2012 अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट रहे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस उत्तर प्रदेश जनाब जावेद अहमद साहब। तो मैम, हमारे हमें इस दफा आईटीआई से, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री से, जहां मैंने अदब सीखा, मेरे वालिद साहब यहाँ काम करते थे, तो यहाँ से मैंने अदब सीखा, वहां पर इस पहली दफा जो है हमें इतनी मदद इनसे हासिल हुई कि हमें ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ा। और ये देख रहे हैं जो मजमा है, ये सिर्फ आईटीआई के काविशों का है। आलोक साहब, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ, मेरी वजह से नहीं है ये जश्न अदब, सिर्फ आप लोगों की वजह से है और ये चलता रहेगा। इंसान सिर्फ एक चेहरा होता है। कमिश्नर ऑफ ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस मुंबई, हमारे दोस्त अजीज कैसर खालिद साहब, इसके सदर यहाँ तशरीफ रखते हैं। हम लोगों ने मिलकर के एक सपना देखा था, देखिए अल्लाह करे कामयाब रहे। और मैं गुजारिश करता हूँ कौशल कुमार साहब से कि आए और चंद अल्फाज बहुत मुख्तसर सी तकरीर के बाद हमारे मनीष शुक्ल साहब, हमारे दोस्त, हमारे भाई, हिंदुस्तान उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के डायरेक्टर हैं वो, और हमारे हमें सपोर्ट करने में, हमारे हमें ताउन करने में उनका एक बहुत अहम किरदार होता है, तो वो भी एक मुख्तसर सी खिताबत करेंगे। रायबरेली, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आईटीआई ऑफिसर्स क्लब जश्न अदब आप सभी लोगों का स्वागत करता है। सुपरिचित साहित्यिक संस्था जश्न अदब के सौजन्य से आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय काव्योत्सव में पधारे आप सभी महानुभावों का मैं अपनी ओर से और आईटीआई परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं स्वागत करता हूं गीत ऋषि पद्म भूषण डॉक्टर गोपाल दास नीरज जी का, तालियां बजाइए। पद्मश्री श्री बीकल उत्साही जी का, पद्मश्री डॉक्टर अशोक चक्रधर जी का, श्री विशाल बाग जी, कवियत्री सोन रूपा विशाल, कवियत्री सिया सचदेव, मोहतरमा तारा इकबाल, श्री भारत भूषण पंत, जनाब कमाल खान साहब, वरिष्ठ पत्रकार एनडीटीवी, श्री मनीष शुक्ला जी, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, तथा हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से पधारी हिलाले इम्तियाज मोहतरमा किश्वर नाही बड़ियापा। जनाब अदनान बेग साहब, जनाब शकील जाजेब, जनाब नदीम बाबा,
उन सभी कवियों शायरों का जो इस कृपा पूर्वक आज के इस जश्न अदब में पधारे हैं। मैं जनाब कैसर खालिद साहब, जॉइंट कमिश्नर, तालियां बजाइएगा। इनकी बहुत ही मेहनत है जिसकी वजह से ये रायबरेली में प्रोग्राम हो रहा है। जनाब कैसर खालिद साहब, जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस मुंबई, जो कि बहुत उम्दा शायर भी हैं, अभी एक गोष्ठी अभी ऑर्गेनाइज कर रहे थे तो मैं सुन रहा था इनको। बहुत ही अच्छे ख्यालात इनके, बहुत ही अच्छे विचार, और हिंदुस्तान पाकिस्तान के बारे में किस तरह की सभ्यता है, किस तरह के हम लोग की लैंग्वेजेज हैं, किस तरह से हम लोग बोलते हैं, एक ही जबान है हम लोगों की, कोई डिफरेंस नहीं है बिल्कुल। अभी मैंने सुना जो संगोष्ठी हुई उसमें किश्वर नाहिद, इनको भी सुना, बहुत अच्छा बोलती हैं और पाकिस्तान में बहुत ही दखल रखती हैं ये। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उपस्थित रायबरेली और दूर दूर से पधारे आप सब गणमान्य अतिथियों, प्रशासनिक अधिकारियों और नागरिकों का भी हार्दिक स्वागत। आप रायबरेली की शुद्ध साहित्यिक परंपरा का अनुकरण करते हुए यहाँ उपस्थित हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि देश के स्वाधीनता आंदोलन में अग्रणी भूमिका के साथ ही हिंदी उर्दू दोनों ही भाषाओं संवर्धन में रायबरेली का ऐतिहासिक योगदान रहा है। मुल्ला दाऊद, मलिक मोहम्मद जायसी, पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से लेकर गीत ऋषि डॉक्टर शिव बहादुर सिंह भदौरिया तक यहाँ सुदीर्घ समृद्ध साहित्यिक परंपरा की साक्षी हैं। यह भूमि है रायबरेली। इस अवसर पर मैं अपने संस्थान के राजभाषा अधिकारी और सुपरिचित कवि साहित्यकार श्री जय चक्रवर्ती को भी बधाई देना चाहता हूं, जिनकी सुदीर्घ साहित्यिक सेवाओं और उनके लेखन के लिए उन्हें मिले अनेक सम्मान और पुरस्कारों पर समूचा आईटीआई परिवार गौरवान्वित है। हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जश्न अदब के जनरल सेक्रेटरी और युवा शायर श्री रंजीत सिंह चौहान भी हमारे आईटीआई परिवार के ही बेटे हैं, इनके लिए भी बहुत जोरदार तालियां। इनके पिता श्री एमबी सिंह एवं इनके पिता एमके सिंह जो एक बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं हमारे बीच में हैं, ये भी आईटीआई रायबरेली से रिश्ता रखते हैं। मैं युवा शायर रंजीत सिंह चौहान, जो समूची दुनिया में साहित्य की अलग जगा रहे हैं, उन्हें भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद। इस मौके पर जश्न अदब ने दो डिस्कशन भी ऑर्गेनाइज किए, पहला हिंदी और उर्दू एक मुश्तरका तहजीब, और दूसरा हिंदुस्तानी सिनेमा और मीडिया में जबान का जवाल। इस पोइट्री फेस्टिवल में अपनी निजामत के जौहर दिखाए जश्न अदब के सेक्रेटरी जनाब कुंवर रंजीत सिंह चौहान साहब ने। अल्लाह आप सभी को सलामत रखे। टपका था जो कभी यहां गालिब की आंख से, अब इन रगों में दौड़ता वैसा लहू कहां। तस्वीर की नजर से तुझे देखता हूं मैं, तस्वीर की नजर से तुझे देखता हूं मैं। तू रूबरू तो है मेरे, पर हूबहू कहां। जश्न अदब के प्रेसिडेंट हैं मुंबई के एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस और खूबसूरत शायर जनाब कैसर खालिद साहब। अदब के वाइस प्रेसिडेंट हैं जनाब डॉक्टर अजय शर्मा साहब, और जश्न अदब के सेक्रेटरी हैं खूबसूरत शायर आईटी प्रोफेशनल जिनकी मेहनतों से जश्न अदब कामयाबी की नई मंजिलें तय कर रहा है, उनका नाम है जनाब कुंवर रंजीत सिंह चौहान साहब।
हमारा व्हाट्सएप नंबर और कॉन्टेक्ट नंबर है 9997640286। हमारी वेबसाइट है mushairalive.com, यहाँ जाकर आप हमारे यूट्यूब अकाउंट को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात होगी